शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सरकारों का उत्पीड़न बंद करो बंद करो बंद करो। प्रदेश में 20 वर्ष बाद पत्रकारों में दिखाई दी एकजुटता। जी हाँ, ये बात 100% सच है कि राजनीतिक पार्टियों की तरह ही पत्रकारों में भी अनेक फाड़ के साथ साथ आपसी मतभेद भी होते हैं और होना भी लाजमी है। कारण हर कोई अपनी पहचान व पहुंच बनाने के लिए जद्दोजहद करता दिखाई देता है। लेकिन इस बार राजधानी देहरादून के पत्रकारों ने लीग से हटकर उत्तराखंड पत्रकार संघर्ष समिति के अलग अलग 18 संगठनों के पत्रकारों ने पीछे 22 नवंबर को वरिष्ठ पत्रकार साथी शिव प्रसाद सेमवाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध एकजुट होकर पुलिस प्रशासन व शासन के विरुद्ध हल्ला ही नहीं बोला बल्कि सरकार व पुलिस के विरुद्ध अपनी आवाज भी बुलंद की और बताया कि हम लोग आज एकजुट होकर पत्रकारों के लिए एक नजीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आज से पहले इस तरह से पत्रकारों की एकजुटता कभी नहीं दिखाई दी है। इन संयुक्त पत्रकारों के संगठन ने सिर्फ और सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश की है कि भविष्य में भी शासन प्रशासन किसी भी सेमवाल को गिरफ्तार करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो जाए। यही पत्रकारों की एकता आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी। हम लोगों के एक ही रिश्ता, जिस तरीके से एक कलमकार होते हैं कहीं भी कहीं अपने जो कलम के ताकत दिखाना चाहते हैं, कहीं ना पत्रकारों का एक मुहिम होता है कि कैसे भ्रष्टाचार शहर देश के अंदर हो उसको उजागर करना काम होता है। उसके तहत जैसे उजागर किया सेमवाल जी की बात उनके साथ हाथ हुई, कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से अवैधानिक तरीके से उनको उठाया गया घर से। कहीं ना कहीं पुलिस के जो मानवीय तरीके हैं बहुत ही निंदनीय है, जितने निंदा करें वो कम होगा। हम चाहते हैं कि जो मुख्य आरोपी है आज भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जो सेकंड इनका जो पार्ट सेकंड था सेमवाल जी को उसको उठा के बंद कराया, कहीं ना कहीं पुलिस के दोहरा चरित्र सामने आया है, इसको उजागर करके रहेंगे। उसके खासकर जो मैं एफआईआर दर्ज हुई जो बताना चाहूँगा, एसडीएम के साहब ने जो पेश की गई एक माह पहले पूर्व पेश की गई थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार 1 महीने बाद आखिर क्यों किया गया। बहुत सारा सिवालिया निशान है कहीं ना पुलिस पर लगना लाजमी है। कहीं ना कहीं ये सब हम कहने पर बिल्कुल आश्वस्त हैं कि कहीं के शासन के स्तर पर इस पर दबाव बना के इसे घेरा गया है और इसे एक शेर को पिंजरे में डाला गया है और शेर कभी कैद नहीं हो सकता। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, तो शेर आज़ाद है, आज़ाद रहेगा। देखिए, जिस तरह से हमारी सरकार पत्रकारों की आवाज़ को दबा रही है उससे साफ है कि लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज़ दबाने का मतलब है जनता की आवाज़ को दबाना, और पर्वत जनता से हम सब वाकिफ है। हम सब जानते हैं कि पत्रकार सेमवाल जी किस प्रकार के लेख लिखते थे, किस प्रकार के वो भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे हैं, तो हम सब उनके साथ हैं और बहुत रोष है जनता में भी। इसलिए हम मांग कर रहे हैं त्रिवेंद्र सरकार से कि उन्हें तुरंत रिहा करें और जिन पुलिस वालों ने उनके खिलाफ इस प्रकार से कार्यवाही करी, जिस प्रकार से उन्हें घर से उठाया गया, नियमों का पालन नहीं किया गया बिना वारंट के बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, तो उन पुलिस वालों के विरुद्ध भी तुरंत कार्यवाही करी जाए। देहरादून से श्रमिक मंथ के लिए स्टोरी हेड आलोक शर्मा की रिपोर्ट।